हेलो एवरी वन वेलकम यू ऑनलाइन क्लास माई सेल्फ नेहा जोशी आई एम योर मैथ्स टीचर इन नवज्योति ग्लोबल स्कूल पहाड़पानी होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन एट होम तो बच्चों आज मैं आपको क्लास सिक्सथ की मैथ्स का चैप्टर नंबर एलेवेंथ पढ़ाने जा रही हूँ जिस चैप्टर का नाम है हमारा एलजेब्रा तो एल का मतलब होता है बीज गणित तो इस चैप्टर में हम बीज गणित के बारे में पढ़ेंगे उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स करेंगे ठीक है तो अब हम आते हैं इसकी एक्सरसाइज़ पे ठीक एक्सरसाइज़ से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे तो हमें तो पहला है फर्स्ट इसकी एक्सरसाइज है इलेवन पॉइंट वन तो पहला क्वेश्चन है फाइंड द रूल विच गिव्स द नंबर ऑफ मैचिस्टिक रिक्वायर्ड टू मेक द फॉलोइंग मैचिस्टिक पैटर्न यूज अ वेरिएबल टू राइट द रूल तो हमें यहाँ पे बताना है कि जो हमारी मैचिस्टिक होती है तिल्ली से जो हम इस टाइप की डिफरेंट टाइप की जैसे आप तिल्ली ए, को अगर एक तरह से अरेंजमेंट करो तो आप उनसे कोई भी अल्फ़ाबेट या फिर आ, कोई अल्फ़ाबेट आप लिख सकते हो नंबर्स तो नहीं लिख सकते आप अल्फ़ाबेट लिख सकते हो अल्फ़ाबेट को हम कहते हैं वेरिएबल चर तो आप मार्चिस की स्टिक का यूज़ करके आप उनसे डिफरेंट अल्फ़ाबेट लिख सकते हो ठीक है तो इसमें आपको बताना है कि हम अल्फाबेट को जो हम लिखते हैं उसमें क्या फॉर्मूला होता है ठीक तो पहला क्वेश्चन है आपका टी अ पैटर्न ऑफ लेटर टी एस तो टी लिखने में हमें कितनी स्टिक का यूज़ हो रहा है तो टी लिखने में हमें कितनी मैचिस्टिक्स चाहिए टू चाहिए कितनी चाहिए टू तो टी लिखने में हमारी कितनी स्टिक का यूज़ हो रहा है टू मैच स्टिक का यूज़ हो रहा है तो जो हम टू होता है हम इसे क्या लिखते हैं टू एन इसको इस तरह डिनोट करते हैं तो हमें टू टी लिखने में कितने मैचिस्टिक हो रही है टू मैचिस्टिक तो टू इन टू एन होता है आपका इसका फॉर्मूला तो हम इसे टू एन लिखते हैं जैसे जेड है ठीक है जेड पैटर्न के लिए हमारी कितनी मैचिस्टिक का यूज़ हो रहा है वन टू थ्री थ्री मैचिस्टिक तो आप इसे लिखोगे थ्री एन ठीक है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं स्टार्टिंग में है तो यहाँ पे देखिए आप मैचिस्टिक पैटर्न इफ़ एल इज़ मेड एन इक्वल्स टू वन इफ़ एल इज मेड एन इक्वल्स टू वन इफ़ टू एल्स आर मेड एन इक्वल्स टू टू सो थस एन कैन बी अ नेचुरल नंबर तो एन क्या होता है एक नेचुरल नंबर होता है तो हमारा फॉर्मूला क्या हो गया टू इन टू एन तो हम क्या लिखते हैं टू एन तो आप ये देख सकते हो फॉर एन इक्वल्स टू वन टू वन या टू अगर एन टू है हमारा तो टू इंटू टू कितना हो गया फोर तो इसी तरह अगर हमारा एन थ्री है तो टू इंटू थ्री एन कितना हो गया सिक्स तो नेक्स्ट आते हमारी क्वेश्चन नंबर टू वी ऑलरेडी नो द रूल ऑफ पैटर्न्स फॉर लेटर सी एल सी एंड एफ समर्स फ्रॉम क्यू गि रूल्स एज दैट गि एल विच आर दिस वाइट दिस है तो हमें एल और सी एफ के हम नियम जानते हैं ठीक है तो हमें जो हमारा ऊपर पे क्वेश्चन नंबर वन है उन्हीं नियम से हमें प्राप्त होता है कि एल कैसे लिखते हम तो ए अक्षर में आपकी ये कह रहा है कि कितनी तिल्लियाँ हो रही है आपके L में तो इस तरह ये क्वेश्चन आपका पहले क्वेश्चन पे ही रिपीट है तो क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारा कैडेट्स आर मार्चिंग इन अ परेड दियर आर फाइव कैडेट्स इन अ रो वट इज़ द रूल विच गिव्स द नंबर ऑफ कैडेट गिवन द नंबर ऑफ रोज़। तो एक हमारी कैडेट uh, कैडेट की मार्च पास हो रही है ठीक है तो एक पंक्ति में पाँच कैडेट एक पं, एक पंक्ति में कितनी कैडेट है पांच कर्डेट हैं तो हमें बतानी है कि टोटल वहाँ पे कितने एन यूज़ हो रहे हैं तो देखो एक पंक्ति में कितने कर्डेट है हमारे तो हम उसे ले लेंगे एन तो हमारे एक रो में कितने कर्डेट है पाँच कैडेट है तो हम इसे क्या कर लेंगे फाइव एन ठीक है तो हमारे अब कुल कैडेट की संख्या क्या हो जाएगी फाइव एन।, एन 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 तो हमारे पंक्तियों की संख्या है और फाइव हमारे एक रो की है तो जो हमारा एन होगा आप उसे फाइव से इंटू कर दोगे तो हमारा क्या आ जाएगा टोटल जो हमारे जितने कैडेट्स हैं उनकी उनके आपको वैल्यू पता चल जाएगी ठीक है क्वेश्चन नंबर फोर्थ है इफ़ देर फिफ्टी मैंगोज इन अ बॉक्स हाउ विल यू राइट द टोटल नंबर ऑफ मैंगोज इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ बॉक्स अगर एक बॉक्स के अंदर फिफ्टी मैंगो है ठीक है और आपको यहाँ पे बी यूज़ करना है जैसे अभी तक हम ऊपर पे एन यूज़ कर रहे थे तो यहाँ पे लिखा है इसने यूज बी द नंबर ऑफ बॉक्स तो हमें बताना है कि हम मैंगोज को नंबर ऑफ बॉक्स के टर्म पर आप किस तरह लिखोगे तो क्या लिखोगे फिफ्टी बी अ टीचर डिस्ट्रीब्यूट फाइव पेंसिल पर स्टूडेंट एक टीचर ने फाइव पेंसिल हर बच्चे को दी कैन यू टेल हाउ many पेंसिल आर नीडेड गिव द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स तो क्या आप बता सकते हो कि टीचर्स को कितनी पेंसिल की ज़रूरत पड़ी होगी और नंबर्स क्या है एस तो हम इसे क्या लिख सकते हैं फाइव एस यहाँ पर हमें अभी अलजेब्रा में हम सोल्यूशन नहीं करें आपको सिर्फ एक्सप्रेशन बताना है कि क्या आएगा वैल्यू आप बाद में देखेंगे ठीक है तो इसी तरह ये सारे क्वेश्चन इसी पे इसके डिपेंड हैं तो जैसे मेन होता है हमारा हम ये मैचिस्टिक का रूल या जो भी है ये सब चीजें आ कहाँ से रही हमारी तो देखो अब हम फिर से स्टार्टिंग पे आते हैं ठीक द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स इन विच स्टडीज नंबर इज अर्थमैटिक मैथ्स में जिस शाखा में जिस मैथ्स में जिसके अंदर हम नंबर्स के बारे में पढ़ते हैं वो हमारा अर्थमेटिक मैथ्स कहलाती है अंकगणित मैथ्स ठीक है अम द ब्रांच ऑफ मैथ्स इन विच वी स्टडी सेब्स इज ज्योमेट्री और मैथ्स uh, की उस शाखा में मैथ्स के अंदर उस मैथ्स के अंदर उन टॉपिक जहाँ पे आप सेब्स के बारे में पढ़ते हो आकार के बारे में पढ़ते हो ठीक है कोन क्यूब इन सब चीज़ के बारे में पढ़ते हैं वो हमारी क्या आ जाती है ज्योमेट्री जमती ठीक और एक आता है हमारा थर्ड एलजेब्रा जिसके बारे में अभी हम पढ़ रहे हैं ठीक तो हमारे कितने हो गए मैथ्स की ब्रांचेस अर्थमेटिक एलजेब्रा और ज्योमेट्री मैथ्स की थ्री ब्रांचेस होती है आप सभी को पता होना चाहिए अर्थमेटिक जिसमें नंबर्स के बारे में पढ़ते हैं ज्योमेट्री जिसमें सेप के बारे में पढ़ते हैं और एलजेब्रा जिसमें अभी हम आगे को बताएंगे कि इसमें क्या होता है ठीक है तो यहाँ पे देखो हमारा ये मैचिस्टिक था ठीक तो यहाँ पे एल यहाँ पे फिर टू एल आ रहे हैं यहाँ पे फिर थ्री एल बन रहे हैं आप देख सकते हो यहाँ पे एक ही एल है यहाँ पे दो एल है और यहाँ पे थ्री एल बन रहे हैं तो इस तरह ये टेबल आपको देख रही है ठीक है तो जब हमारा सिर्फ एक एल है तो कितने मैच स्टिक चाहिए टू जब हमारा दो एल है तब कितने मैच स्टिक चाहिए फोर और जब हमारे थ्री एल है तो कितने मैच स्टिक चाहिए सिक्स तो जो हमारा फॉर्मूला है टू एन वो यहाँ से आया जहाँ पे जो एन है नंबर्स ऑफ एल है ठीक है उसे हम टू से इनटू कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा क्योंकि अभी एल के लिए हम कितनी मैचिस्टिक यूज कर रहे हैं टू मैचिस्टिक अगर हमारा यहाँ पे जेड होता तो हम क्या लेते वन टू थ्री तब हमारा थ्री आता तो क्योंकि तब हम कितनी मैचिस्टिक हो रही है हमारी थ्री मैचिस्टिक्स हो रही है तो नंबर ऑफ मैचिस्टिक्स इज रिक्वायर्ड इक्वल्स टू टू एल हेयर एन इज द नंबर ऑफ एल्स जहाँ पे आप एन की जगह पे वन टू थ्री फोर लिख सकते हो जो हमारी एन होती है वो एक फिक्सड वैल्यू नहीं होती है तो इसी तरह देखो अब हमारा ई e है तो ई e के लिए वन टू थ्री फोर ठीक है ये वन ये टू ये थ्री ये फोर तो ई में हमें कितनी हमेंटिक चाहिए होती है ई में हमें कितनी चाहिए होती है फोर तो हम क्या लिखेंगे ई के लिए फोर एन अगर हमारा की e होगा तो फोर इंटू वन अगर हमारे पास फोर फाइव ई होंगे तो फोर इंटू आपके एन चेंज हो जाएगा तो इस तरह हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज इसी पे डिपेंड है तो नेक्स्ट आते हैं हम इसके बाद कुछ यूज़ ऑफ़ वेरिएबल्स इन कॉमन रूप अब जो हमारे वेरिएबल्स होते हैं ये ए प्लस बी हम एलजीबरा के अंदर इस तरह के हमारी ये इक्वेशन होती है जैसे एक्स प्लस फाइव टू एक्स प्लस थ्री ये सब हमारा एलजीबरा के अंदर आता है जहाँ पे आपके वेरिएबल्स वेरिएबल्स मतलब अल्फ़ाबेट अल्फाबेट को मैथ्स में वेरिएबल्स कहा जाता है कहा जाता है ठीक है तो यहाँ आप अल्फाबेट ना बोल के क्या बोलेंगे वेरिएबल्स बोलेंगे तो यहाँ हम मैथ्स में वेरिएबल्स जहां पे आ जाते हैं वो हमारे क्या आ जाते हैं एलजेब्रा के अंदर आ जाते हैं वो हमारे बीज गणित के अंदर आने लगते हैं। तो अब देखो यहाँ पे है ऑफ स्क्वायर तो क्या होता है पैरिमीटर फोर इंटू एल एल मतलब साइड तो फोर एल अब देखो ये एल आ रहा है यहाँ पे तो ये भी एक हमारा क्या हो गया एलजेब्रा है एक टाइप का तो जहां पे आप जैसे हम पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या लिखते हैं टू एल प्लस बी होता है ठीक है लेंथ प्लस तो ये भी हमारा क्या हो रहा है एल्जेब्रा में आ रहा है क्योंकि एल प्लस बी है तो आप देख सकते हैं अब हमारा रूल ऑफ अर्थ फ्रॉम अर्थमेटिक अर्थमेटिक के रूल यहाँ पे जो हमने इससे पहले पढ़े थे स्टार्टिंग में कॉम्यूटेटिविटी ऑफ एडिशन ऑफ टू नंबर्स कॉम्यूटेटिविटी में क्या होता था अगर इस साइड को फोर प्लस थ्री है और इस साइड हम इसी को चेंज कर देते थे थ्री प्लस फोर कर देते थे तो ये किसके अंदर आता था कॉम्यूटेटिविटी के अंदर एडिशन ऑफ टू नंबर्स तो एलजेब्रा में भी हमारा ये होता है अगर आप ए प्लस बी ले रहे हो ठीक है यहाँ हम वेरिएबल्स की बात करते हैं एलजेब्रा में क्या आता है वेरिएबल्स तो ए प्लस बी क्या हो गया बी प्लस ए तो ये फॉर्मूला भी लग ये रूल्स भी लगता है एलजेब्रा में इसी तरह कॉम्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लीकेशन मल्टीप्लीकेशन भी सेम कॉम्यूटिवी मतलब कॉम्युटिविटी में जैसे फोर इंटू थ्री है तो इक्वल टू थ्री इंटू फोर अगर आपसे कोई कह रहा है फाइव इंटू सिक्स का कॉम्यूटिटिव करो तो आप क्या लिखोगे सिक्स इंटू फाइव तो कॉम्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लीकेशन भी लग रहा है यहां पे ए इंटू बी इक्वल्स टू बी इंटू ए, ठीक है। अब फिफ्थ हमारा डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ़ नंबर्स। तो डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ़ नंबर्स में हमारा क्या होता था? जैसे हमारा है टू इनटू ट्वेल्फ, ठीक? तो हम इसे क्या लिखते थे? टू इनटू इस ट्वेल्फ को हम तोड़ देते थे टेन प्लस टू। फिर इस टू से इस टेन को ट्वेंटी प्लस इस टू से टू को टू ट्वेंटी प्लस फोर तो इस तरह जो हमारा मल्टीप्लाई था मल्टीप्लाई का क्या बन जाता था एडिशन जैसे हमारा है आपका देखो ए इंटू बी प्लस सी तो यहाँ पे क्या है अभी मेन मल्टीप्लाई अब यहाँ पे क्या बन जाएगा ए बी प्लस ए सी मल्टीप्लाई हमारा एडिशन में जहाँ पे आ जाता है वहाँ पे हमारा कौन सा रूल लगता है डिस्ट्रीब्यूटिविटी तो ये फिफ्थ इतने फाइव रूल्स हमने पढ़े ठीक है अब यही रूल्स हम जो अभी एक्सरसाइज करेंगे इन क्वेश्चंस में अप्लाई करेंगे तो जैसे कि एक्सरसाइज इलेवन पॉइंट टू का फर्स्ट क्वेश्चन है द साइड ऑफ अ इक्विलेटरल ट्राइंगल इज सोन बाय एल एक्सप्रेस द पैरामीटर ऑफ द इक्विलेटरल ट्राइंगल यूजिंग एल तो इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है जिसकी तीनों साइड है इक्वल होती हैं तो हमें यहाँ पे एक्सप्रेस करना है पैरामीटर बताना है इक्विलेटरल ट्राइंगल का तो हम कैसे बताएंगे इक्विलेटर है उसकी तीन साइडें होती है तीनों एल एल है पैरामीटर क्या हो जाएगा थ्री एल तो ये इसका आंसर द साइड ऑफ अ रेगुलर हेक्सागन इज डिनोटेड बाय एल एक्सप्रेस द पैरामीटर तो ठीक है हेक्सागन की साइड है कितनी साइडें होती हैं सिक्स तो सिक्स एल एल सभी साइड में है तो हमें इसका क्या बताना है पैरामीटर तो क्या हो जाएगा सिक्स एल ठीक है नेक्स्ट है अ क्यूब इज अ थ्री डायमेंशनल यहाँ पे आपको दिखाया है क्यूब इट हैज सिक्स फेस इसके पास कितने फेस होते हैं सिक्स एंड ऑल देम आर आइडेंटिकल स्क्वायर्स और जो कि सभी क्या है स्क्वायर हैं द लेंथ ऑफ एज ऑफ द क्यूब इज गिवन बाय एल और इसकी हमें लेंथ दी है एल हमें इसका फॉर्मूला बताना है क्यूब का टोटल लेंथ ऑफ एज ऑफ अ क्यूब तो देखो क्यूब की लंबाई क्या है एल और जो हमारे इनके एज हैं इनके एच को काउंट करो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन नाइन टेन एलेवन ट्वेल्व तो आप इसके एच को काउंट करो अभी हमने तो ये वाले वर्टिक्स हो गए ये एच हो गई तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व तो इसके एच कितने हैं ट्वेल्व एच मतलब ये होती है जैसे ये ये वर्टिक्स के जो किनारे पे जो लाइनें होती हैं उनको एच कहते हैं ठीक है तो इसके एच कितने हो गए ट्वेल्व और इसकी लेंथ कितनी थी क्यूब की एल तो इसकी हमारी जो फॉर्मूला होगा टोटल लेंथ का वो हो जाएगा ट्वेल्व एल सो सिंपल ठीक है द डाया मीटर ऑफ अ सर्कल इज अ लाइन विच जॉइंट टू पॉइंट्स ऑन द सर्कल एंड ऑल्सो पासिस थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल तो आप देख रहे हो सर्कल का हमारा जो डायमीटर है ए बी ठीक है ए और बी ए बी एक लाइन भी बना रहा है ठीक और ये सेंटर से जैसे सी पी देखो रेडियस का भी काम कर रहा है तो हमें बताना है पहला ठीक है एक्सप्रेस द डायमीटर ऑफ द सर्कल इन टर्म्स ऑफ रेडियस तो हमें इसके डायामीटर को रेडियस के रूप में लिखना है तो हम इसके डायामीटर डायामीटर को डी लिखेंगे तो अब इसके डायामीटर को रेडियस के फॉर्म में कैसे लिखेंगे डी माइनस टू आर टू आर का मतलब होता है डायामीटर। जैसे टू आर जैसे है तो इसका मतलब हुआ आर आर दो टाइम तो आर 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 प्लस आर मिलकर क्या बनाते हैं हमारा डी बनाते हैं तो इस तरह आप इसे क्या लिख सकते हो डी माइनस टू आर तो नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ टू फाइंड द सम ऑफ थ्री नंबर्स वी हैव टू वेज हमें दो तीन तीन नंबर दिए फोर्टीन ट्वेंटी सेवन थर्टीन तो हमें इसका सम निकालने के लिए दो तरीके वी तो पहला ए है वी मे फर्स्ट ऐड फोर्टीन एंड ट्वेंटी सेवन तो सबसे पहले आप फोर्टीन और ट्वेंटी सेवन एड करोगे फोर्टी वन आएगा और फोर्टी वन में आप थर्टीन ऐड कर दोगे तो कितना आया फिफ्टी फोर ठीक दूसरा तरीका ये कह रहा है कि ट्वेंटी सेवन और थर्टीन को ऐड करो और फोर्टी आया और फिर फोर्टी में फोटीन ऐड करो तो कितना आया फिफ्टी फोर तो इसने हमें दो तरीके बताए तो यहाँ पे देख सकते हो फोर्टीन प्लस ट्वेंटी सेवन प्लस थर्टीन ये फर्स्ट वाला तरीके है और इसने दूसरा बताया फोर्टीन प्लस ट्वेंटी सेवन और थर्टीन ये सेकेंड है इक्वल टू के इस साइड फर्स्ट इक्वल टू के साइड दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज एसोसिएटिव ऑफ ऑफ एडिशन नंबर्स तो इस प्रॉपर्टी को क्या है एसोसिएटिविटी है हमारी एक्सप्रेस दिस प्रॉपर्टी विच वी हैव ऑलरेडी स्टूड इन चैप्टर द ऑन द होल नंबर तो हमें हम इससे पहले आप चैप्टर्स में इससे पहले हम होल नंबर वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं इस प्रॉपर्टी के बारे में तो ये यहाँ पे कह रहा है आपको ए बी और सी के रूप में ठीक है ये नंबर्स के रूप में नहीं ए बी सी के रूप में हमें ये प्रॉपर्टी डिफाइन करनी है तो बहुत सिंपल है आप ए मान लो फोर्टीन बी मान लो ट्वेंटी सेवन और सी मान लो थर्टीन तो क्या लिखो ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी बस आपको ए बी सी इनको रख दो और सेम प्लस इक्वल टू ये सब चीज़ें ऐसे ही लगा लो तो ये बहुत ईजी थे अब नेक्स्ट है एक्सप्रेशन विथ वेरिएबल ठीक है तो अब हम वेरिएबल्स के साथ देखते हैं किस तरह एक्सप्रेशन हो रहे हमारे तो अब हम आते हैं एक्सरसाइज इलेवन पॉइंट थ्री में तो एक्सरसाइज इलेवन पॉइंट थ्री का आपका फर्स्ट फर्स्ट क्वेश्चन है मेक एज इज मैनी एक्सप्रेशन विथ नंबर्स एज यू कैन फॉर्म थ्री नंबर फाइव सेवन एट एवरी नंबर शुड बी नॉट यूज मोर वंस यूज ओनली एडिशन सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लीकेशन तो आपको एक्सप्रेशन बनानी है ठीक है फाइव सेवन और एट को यूज करके और आपको ध्यान रखना है कि एक नंबर सिर्फ एक ही टाइम आए वो बार बार रिपीट ना हो तो आपको एडिशन सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लीकेशन के एक्सप्रेशन बनाने तो इसका एक्सप्रेशन कैसे बनेगा देखो पहले हम क्या यहाँ पे आपको हिंट भी दिए हैं तो देखो पहले हम ले लेते हैं फाइव इंटू एट प्लस सेवन तो देखो एक एक्सप्रेशन ये बन गया ऐसे हम दूसरा एक्सप्रेशन बनाएंगे ठीक है तो इसी तरह आप इसके तो इसी तरह आप देख सकते हो इस तरह आप एक्सप्रेशन बना सकते हो एट इंटू फाइव माइनस सेवन एट इंटू सेवन माइनस फाइव फाइव इंटू सेवन प्लस एट तो आपको सिर्फ नंबर्स रखने और साइन चेंज करने तो इस तरह आप इसके एट एक्सप्रेशन बना सकते हैं क्वेश्चन नंबर टू है विच आउट ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन विथ नंबर्स ओनली हमें बताने हैं कि इनमें से किसमें सिर्फ नंबर्स ही नंबर्स हैं ऐसे कौन कौन से एक्सप्रेशन है जिसमें सिर्फ नंबर्स हैं तो पहला देखो इसमें वेरिएबल है वाई प्लस थ्री दूसरे में भी हमारा जेड वेरिएबल है सी में हमारा कोई वेरिएबल है नहीं है तो सी में हमारे सिर्फ नंबर्स हैं डी डी में भी सिर्फ फाइव फाइव है फाइव के साथ कोई भी वेरिएबल्स या कोई भी अल्फाबेट नहीं है और थ्री के साथ एक्स है यहाँ एन है और यहाँ पी है तो इस तरह सी और डी में हमारे कोई भी वेरिएबल नहीं है नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर थर्ड आइडेंटिफाई द ऑपरेशन एडिशन सब्ट्रैक्शन डिविजन फ्रॉलोइ फ्रॉमिंग द फॉल फॉलोइंग एक्सप्रेशन एंड हाउ इज बिन फॉर्म्ड तो हमें बताना है कि ए बी सी डी में आपका क्या हो रहा है एडिशन हो रहा है या फिर सब्ट्रैक्शन हो रहा है या फिर डिवीजन या फिर मल्टीप्लीकेशन तो देखो सबसे पहले हमारा क्या है ए ए में क्या है जेड प्लस वन तो इसमें क्या हो रहा है एडिशन इसी के कॉमा के बाद है जेड माइनस वन तो यहाँ क्या है सब्ट्रैक्शन वाई प्लस सेवनटीन यहाँ क्या है एडिशन और वाई माइनस सेवनटीन सब्ट्रैक्शन तो इसी तरह आप देखो बी में सेवनटीन वाई तो यहाँ पे क्या हो रहा है मल्टीप्लीकेशन वाई अपॉन सेवनटीन इसमें क्या हो रहा है डिविजन और फाइव जेड में हमारा क्या है मल्टीप्लीकेशन इसी तरह टू वाई टू वाई मतलब मल्टीप्लीकेशन टू वाई प्लस सेवनटीन है कॉमा हमारे टू वाई इतना है तो ये टू वाई प्लस सेवनटीन है तो यहाँ पे क्या है हमारा एडिशन अगर सिर्फ टू वाई होता तो क्या होता मल्टीप्लीकेशन अब टू वाई प्लस सेवनटीन है तो क्या हो गया एडिशन तो इस तरह आप इनमें बताएंगे गिव एक्सप्रेशन फॉर फॉर द फॉलोइंग केस अब हमें क्वेश्चन नंबर फोर्थ में एक्सप्रेशन बनानी है जैसे सेवन एडेड टू पी पी में हमें सेवन ऐड करना है तो कैसे बनेगी पी प्लस सेवन इसी तरह नेक्स्ट है सेवन सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम पी तो इसका क्या बनेगा पी माइनस सेवन पी मल्टीप्लाइड बाय सेवन सेवन पी पी डिवाइड बाय सेवन पी डिवाइड बाय सेवन पी डिवाइड बाय सेवन सेवन सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम माइनस एम तो सेवन सब्ट्रैक्ट माइनस एम माइनस सेवन तो इस तरह आप इनको इनमें क्या है? लिखने हैं एक्सप्रेशन लिखने हैं इसी तरह क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में हमें क्या कर देना है गिव एक्सप्रेशन इन द फॉलोइंग केस इसमें भी आपको एक्सप्रेशन देना है इलेवन एडेड टू इलेवन एडेड टू कह रहा है इलेवन को जोड़ना है टू एम में तो क्या करोगे टू एम प्लस इलेवन इसी तरह इलेवन सब्ट्रेक्टेड फ्रॉम टू एम तो टू एम माइनस इलेवन नेक्स्ट है फाइव टाइम्स वाई टू विच थ्री इज एडेड तो फाइव टाइम्स वाई मतलब फाइव वाई टू विच थ्री इज एडेड मतलब प्लस थ्री तो इस तरह आपको सेंटेंस पढ़ के उसका एक्सप्रेशन देना है तो यहाँ पे देखो ई वाई इज मल्टीप्लाइड बाई माइनस एट मल्टीप्लाई कह रहा मतलब माइनस एट वाई इसी के नीचे y y is 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 multiplied multiplied by by and then then added added to result इसी तरह आप इनमें क्वेश्चन सॉल्व करने तो आप देख सकते हैं ठीक है अब है हमारी एक्सरसाइज इलेवन पॉइंट फोर ठीक तो पहला है इसमें टेक सरिता प्रेजेंट एज टू बी वाई ईयर्स आपको सरिता की जो प्रेजेंट एज है वर्तमान आयु है वो क्या माननी है फाइव वाई ठीक तो पहला है वट विल बी हर एज फाइव ईयर्स फ्रॉम नाउ तो आज से उसकी पाँच साल बाद आयु कितनी होगी और अभी की आयु क्या है वाई तो पह क्या बनेगा हमारा ये एक्सप्रेशन वाई प्लस फाइव तो इस तरह हमें इस क्वेश्चन में एक्सप्रेशन बनाने अब देखो वट वॉज हर एज थ्री ईयर्स बैक तो पा आज से तीन साल पहले उसकी क्या एज होगी तो आज कितनी एज है वाई वाई माइनस थ्री तो ये सेकेंड का एक्सप्रेशन तो इसी तरह आपको इसमें सिर्फ एक्सप्रेशन बताने है. हमें ये सॉल्व नहीं करना है फाइव प्लस वाई क्या होता है ये नहीं बताना है हमें सिर्फ फाइव प्लस वाई कैसे एक्सप्रेशन बना आपने ये दिखाना है तो इसी तरह इसके और पार्ट्स भी करने हैं नेक्स्ट है द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर हॉल जो हमारा बी क्वेश्चन है फोर मीटर लेस देन थ्री टाइम्स ऑफ ब्रिथ्स ऑफ हॉल ठीक है और इसके बाद है देन एक्सप्रेस द लेंथ एंड द ब्रिथ ऑफ द बॉक्स इन टर्म्स ऑफ हाइट तो हमें उस बॉक्स की लेंथ और हाइट बतानी है तो एक हमारा बॉक्स है द लेंथ ऑफ रैक्टेंगुलर हॉल जो हमारे रेक्टेंगुलर हॉल की सॉरी क्वेश्चन वट इज द ब्रिथ जो रेक्टेंगुलर हॉल है हमारा वो फोर मीटर लेस देन है किससे थ्री टाइम्स ऑफ ब्रिथ से तो हमें बतानी है कि उसकी लेंथ और ब्रिथ कितनी है तो बी ब्रिथ यहाँ पे हमने बी माननी है तो ये हम कैसे करेंगे देखो ब्रिथ थ्री टाइम्स ऑफ ब्रिट तो यहाँ पे थ्री यह बी आ गया द रेक्टेंगुलर हॉल इज फोर मीटर मतलब फोर मीटर है किससे ब्रिथ के थ्री उससे और हमें क्या निकालना है लेंथ और ब्रिथ इन मीटर तो इसका आंसर आ जाएगा थ्री बी माइनस फोर तो जो रेक्टेंगुलर हॉल की लेंथ है वो कितनी हो गई एल इक्वल्स टू थ्री बी माइनस फोर ब्रिथ जो हमारी ब्रिथ है थ्री बी है ठीक है उसमें से आप फोर घटाओगे तो लेंथ आ जाएगी इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है रेक्टेंगुलर बॉक्स बॉस हाइट एच सेंटीमीटर रेक्टेंगुलर बॉक्स की हाइट क्या है एच इट्स लेंथ इज़ फाइव टाइम्स द हाइट एंड ब्रिथ इज़ टेन सेंटीमीटर लेस देन द लेंथ तो बॉक्स की जो हाइट है वो तो एच हो गई अब बॉक्स की लंबाई है फाइव एच हाइट की पाँच गुनी है तो फाइव एच आ गई इसकी लंबाई ठीक नेक्स्ट इसने बोला बॉक्स की चौड़ाई बॉक्स की चौड़ाई जो हमारी है वो है फाइव एच माइनस टेन लेंथ में से टेन कम तो इस तरह आपको ये सिर्फ एक्सप्रेशन बताने हैं तो इसी तरह आपको अब बस ट्रेवल वाले में भी करना है ठीक है तो अब बस ट्रेवल एट वी किलोमीटर पर आवर इट इज गोइंग फ्रॉम दासपुर टू बीसपुर आफ्टर द बस हैज्रैवल फाइव आवर्स बीसपुर इज स्टिल ट्वेंटी किलोमीटर अवे वट डिड द डिस्टेंस फ्रॉम दासपुर टू बीसपुर एक्सप्रेस इट यूजिंग वी तो हमें दासपुर से बीसपुर की दूरी बतानी है ठीक है तो पहले तो बस की चाल जो हमारी स्पीड है वो क्या है बी बी से इसे एक्सप्रेस इट यूजिंग बी तो हमें यहाँ पे बी वेरिएबल सॉरी वी वेरिएबल का यूज़ करना है तो जब फाइव घंटे वो चलती है गाड़ी तो कितना तय कर लेती है फाइव वी ठीक है फाइव वी वो तय कर ले रही है तो फाइव वी हो गया अब जो बच गई हमारी वो कितनी बची ट्वेंटी किलोमीटर ट्वेंटी किलोमीटर और जाना है तो, तो टोटल दूरी कितनी हो गई फाइव वी प्लस ट्वेंटी तो दासपुर से वीसपुर कितना हो गया फाइव वी प्लस ट्वेंटी तो इसी तरह आपको इसका सेकंड और थर्ड पार्ट भी आप इजली कर सकते तो आप देख सकते हैं सेकंड में आप किस तरह करेंगे सेकंड और थर्ड क्या आप यहां पर से आपको अगर दिक्कत हो तो आंसर देख सकते हैं देखो हिज यंगर ब्रदर इज टू ईयर्स यंगर देन हिम तो किस तरह है? x माइनस टू हिज एल्डर ब्रदर मतलब जो बड़ा है यहाँ पे यंगर था तो माइनस का यूज करा एल्डर है तो प्लस का क्योंकि जो छोटा है छोटे के लिए हम माइनस जाते हैं और बड़े के लिए प्लस में तो इस तरह आपको ध्यान देना है एक्सप्रेशंस का तो नेक्स्ट आते हैं हम एक्सरसाइज 11.5 पे अब 11.5 का हमारा पहला है स्टेट विच ऑफ़ द फॉलोइंग आर इक्वेशन विथ अ वेरिएबल गिव रीज़न फॉर यूर आंसर आइडेंटिफाई द वेरिएबल फ्रॉम द इक्वेशन विथ वेरिएबल तो हमें यहाँ पे वेरिएबल्स बताने हैं ठीक है कि ये हमारा एक जो हमारे यहाँ पर निम्नलिखित हमें ये कथन दिए हैं स्टेटमेंट दिए हैं तो जैसे पहला है हमारा सेवनटीन इक्वल्स टू एक्स प्लस सेवन तो ये क्या हमारा एक सही स्टेटमेंट है हाँ कैसे क्योंकि सेवेंटीन है इक्वल्स टू एक्स प्लस सेवन तो एक्स की वैल्यू क्या हो सकती है टेन हो सकती है टेन प्लस सेवन इक्वल्स टू सेवनटीन तो यहाँ पे ये एक सही स्टेटमेंट है इसी तरह बी पार्ट है हमारा बी है हमारा टी माइनस सेवन टी माइनस सेवन और फाइव ए बी सी डी ई एफ जी तो बी आपका आया टी माइनस सेवन टी माइनस सेवन और ग्रेटर देन फाइव तो देखो यहाँ पे अगर आप कुछ लेते हो यहाँ पे अगर मैं टेन ले लेती हूँ टेन माइनस सेवन टेन या फिर ट्वेंटी ट्वेंटी माइनस सेवन कर लियो कितना आएगा यहाँ पे तो जो भी आएगा वो किससे फाइव से क्या होगा ग्रेटर देन होगा तो इस तरह आप ये वाला हमारा भी वेरिएबल सही है तो इसी तरह आपको इन सब में चेक करना है आप देखो यहाँ पे हमारा फोर अपॉन टू इक्वल्स टू टू तो ये हमारा वैसे सही यहाँ पे हमें कोई वो नहीं दिया है आपका यहाँ पे कोई वेरिएबल दिया है नहीं दिया है इसी तरह यहाँ क्वेश्चन में हमें वेरिएबल नहीं दिया है है अब जैसे पे तो इस तरह आपको यहाँ पे चेक करने की कौन कौन हमारे एक वेरिएबल्स वाले हैं तो वेरिएबल्स वाले कौन कौन है यहाँ है हमारा वेरिएबल इसमें है वेरिएबल इसमें है वेरिएबल इसमें है इसमें है इसमें है तो इस तरह आपके इस इन दो तीन क्वेश्चनों में आपके वेरिएबल नहीं दिए गए हैं नेक्स्ट है हमारा कंप्लीट द इंट्रीज हमें थर्ड कॉलम में इंट्रीज कंप्लीट करनी है तो यहाँ पे देखो इक्वेशन है टेन वाई इक्वल्स टू एट्टी तो टेन टेन वाई की जगह पे टेन रखो तो क्या एट्टी आ रहा है चेक करो टेन इंटू टेन क्या आ रहा है हंड्रेड 10 into 10 क्या आ रहा? 100. पर ये कह रहे है यहाँ पे 80. तो पे पे हम क्या क्या लिखेंगे no, not satisfied. तो 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 इसका no आ गया अब देखो, 10 y equals to 80. अब देखो रखना है है तो है कितना आ रहा? 80. तो ये वाला क्या है? Satisfied है. तो इसी तरह आपको इन सब में चेक करना है देखो फोर एल इक्वल्स टू ट्वेंटी एल की ट्वेंटी तो फोर इंटू ट्वेंटी क्या आ रहा हमारा फोर्टी पर यहाँ पे तो ये ट्वेंटी पर ये भी हमारा नॉट सेटिसफाइड सॉरी फोर टू जो एट्टी एट्टी आना चाहिए जैसे आप सेकंड में देख सकते हो हमारा फोर एल ट्वेंटी एल एट्टी रख रहा तो ये भी नॉट सेटिस्फाइड इस तरह आपको यहाँ पे इन सारे क्वेश्चन को चेक करना है और वहाँ पे देखना है कि वैली हमारा ये सेटिस्फाइड हो रहा है या नहीं नेक्स्ट है हमारा देखो फाइव एम दिया है हमें सिक्सटी लिखा है और ब्रैकेट के अंदर टेन फाइव ट्वेल्व फिफ्टीन लिखा है तो आपको बताना है जो ये ब्रैकेट के अंदर टेन फाइव ट्वेल्व फिफ्टीन में से कौन सा नंबर एम पे आएगा कि हमारा आंसर सिक्सटी आ जाएगा तो कौन सा नंबर आएगा ट्वेल्व क्योंकि टेन रखोगे तो फिफ्टी आ रहा फाइव रखने पे ट्वेंटी फाइव आ रहा और अगर आप ट्वेल्व रखो यहाँ पे तो कितना आ रहा है फाइव इंटू ट्वेल्व इक्वल्स टू सिक्सटी तो इस तरह आप इसे सॉल्व करोगे बहुत इजी से हैं ये आपको थोड़ा सा ध्यान देना है इनमें नेक्स्ट है कंप्लीट द टेबल एंड बाय इंस्पेक्शन ऑफ द टेबल फाइंड द सॉल्यूशन टू द इक्वेशन तो पहले तो हमें टेबल कंप्लीट करनी है ठीक है और फिर हमें बताना है एम टेन इक्वल्स टू सिक्सटीन हो रहा या नहीं हो रहा तो देखो एम प्लस टेन है नीचे वाले पे ऊपर पे एम वन तो नीचे एम टेन प्लस वन इलेवन आ गया नीचे वाले में इसी तरह यहाँ पे टू ट्वेल्व आ गया यहां पे थर्टीन आ गया यहां पे फोर्टीन आ गया तो आप देख रहे हो तो इसी तरह आप क्या करोगे थ्री के नीचे पे फोर फोर के वहां पे फोर प्लस टेन फोर्टीन फाइव में फिफ्टीन सिक्स में सिक्सटीन तो इस तरह आप इस टेबल को पूरी करेंगे नेक्स्ट है कंप्लीट द टेबल बाय इंस्पेक्शन अब इस टेबल में देखो ऊपर टी है और नीचे फाइव टी है। अब नीचे थ्री के नीचे क्या बनेगा हमारा थ्री के नीचे बनेगा फाइव इंटू थ्री फाइव थ्री जाए फिफ्टीन तो इसके नीचे फिफ्टीन इसी तरह फोर के नीचे फाइव इंटू फोर ट्वेंटी इसी तरह फाइव के नीचे तो आपको जो यहाँ पे हमें यहाँ पे आप देख सकते हो इस तरह जेड अपॉन थ्री माइनस एम अपॉन सेवन हमें बस वैल्यू दिए रखो और अपना सीधे सॉल्व करो तो आप देख सकते हो यहाँ पे ये यह देखो जैसा भी मैंने आपको बताया ठीक है और एम प्लस टेन को आप सॉल्व करोगे एम क्या आ गया सिक्स इसी तरह आप इस क्वेश्चन को भी इजीली सारे क्वेश्चन बहुत इजी है आपको सिर्फ वैल्यू की जगह पे एम की जगह पे जो ऊपर से वैल्यू दिए इनको रखना है तो नेक्स्ट आते हैं तो यही था हमारे इसकी लास्ट एक्सरसाइज तो आपको ध्यान देने वाली क्या चीज़ है जैसे कहीं पे आपसे फाइव टी कह रहे हैं और टी इक्वल्स टू हमें वन दिया है तो आंसर क्या आ गया फाइव इंटू वन फाइव अब जैसे हमें ब्रैकेट सिक्स एम इक्वल्स टू सिक्सटी अब ब्रैकेट में लिख दिया टू टेन थ्री तो बताओ इनमें से एम का क्या आएगा एम क्या आएगा तो आप इजली बता सकते हो अगर मैं यहाँ पे टेन रखूँ और टेन सिक्स इंटू टेन करूँ तो क्या आएगा सिक्सटी आंसर आएगा तो एलजेबरा बहुत इजी है आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है ठीक है स्टार्टिंग में तो हमने पहले एलजेब्रा के एक्सप्रेशंस बनाने सीखे आपको सिर्फ एक्सप्रेशन इससे पहले भी हम सीख चुके हैं हमें बहुत इजी जैसे आपसे कोई कह रहा है आपकी अभी की एज क्या है मान लो एक्स है तो आज से छः साल बाद क्या होगी तो एक्स प्लस सिक्स छः साल बाद क्या होगी अगर कोई कहे कि आज से छः साल पहले क्या थी क्या थी कहे पहले क्या थी तो एक्स माइन सिक्स तो इस तरह हमारे एक्सप्रेशंस बनते हैं